पब्लिक को आया वो सीधा यहाँ से चढ़ापा उठाकर उस नाव पर ये दूसरी नाव पर चढ़कर और उस लड़के को जाकर मारने शुरू किया। उसमें नाव वहाँ पर सर बच्चा भी गिर गया, हमने बचाया, तमाम इधर के जो नाव वाले हैं का दोगो वो भी बचाए। गुड़ लगातनी समाचार बटुए बक्सर चौसा से रिपोर्टर बनी रोहित ओझा जी। खबर के हेडलाइन सुनिए। असामाजिक तत्व के द्वारा नाविक के साथे कोई गोइल मारपीट, सवारी से भरल नाव पलटल, बाल बाल बचलन लोग। घटना के बाद बाढ़ क्षेत्र में चले वाला नाव के परिचालन भइल बंद। खबर का बटुए विस्तार से जानी। यह बाढ़ में भी कुछ असामाजिक तत्व ऐसा बाड़े जवन नाई के साथे खिलवाड़ करे लगातार। ई खिलवाड़ ई नहीं खे पता कि आग आ पानी से कबो मजाक ना करे के चाही। ई कब जीव ले ली केहू नहीं खे जानत। हालांकि संयोग ई रहे कि बाल बाल बाँच गए लोग। खबर का बा एकरा के विस्तार से जानी। प्रखंड के चौसा कैमूर स्टेट हाईवे जहां पानी चढ़ गया बा ओजा कुछ असामाजिक तत्व नाविक के साथ है मारपीट करे के कारण सवारी से भरल नाव पलट गए जौना से एगो भारी हादसा होत होत बच गए। नाव किनारे पे रहे के कारण स्थानीय गोताखोर सबके सुरक्षित बचा लेलन। बतावल गई कि नाव पे दूगो महिला भी सवार रही जिनका गोद में लड़का रहे। हालांकि ये घटना के बाद नाविक पानी से घिरल लोग खातिर नाव के परिचालन बंद कर दिल। नाविक के कहना बा कि जब तक दोनों तरफ सिपाही के तैनाती ना हुई नाव ना चलाई बिया। वही घटना के सूचना पे चौसा सीओ थाना के पुलिस पहुंच के जो मारपीट कैले बा ऐसा युवक के पहचान में जुटल बा लोग। घटना बुध के दोपहरिया 1 बजे के बतावल जा रहल बा। नाविक टमाटर बीन अखौरीपुर गोला से बनारपुर तक आवे जाए वाला लोग के छोड़त रहन। तबे पहले 2-3 की संख्या में युवक आके इनकर नाव के मस्ती करे के मांग करे लगलन, लेकिन टमाटर बीन युवक के नाई देवे से साफ मना कर दलन। जौना पे युवक थोड़ी देर बाद अपन कुछ साथी के लेके पहुँच गएलन। वह वक्त टमाटर बीन नाव पे सवारी भर के अखौरीपुर के तरफ पहुँचल रहन। एकरा बाद मारे खाती एक एक हाथ में डंडा ले ले युवक दौड़त इनकर नाव पे चढ़ गेलन जौना से नाव पलट गई। जौना में सवारी डूबे लगलन गनीमत ही रहे कि नाव किनारे पे पलटल रहे, पास ही में स्थानीय गोताखोर मौजूद रहन जौना से नाव में सवार बाइक के साथ आ बच्चन आ महिला के सुरक्षित बचा लिहल गए। ये घटना के बाद युवक भी भाग गए। युवक के कहना रहे कि उनकर पहचानत नहीं खी जाए। कुछ युवक कहते रहे कि हमनी के दिखी जाए पहचानत। सीओ ब्रिज बिहारी कुमार बतैनी कि यह घटना के सूचना पे हम पहुँचनी। नावी के नाव चलावे खातिर समझावल जा रहल बा। युवक के पहचान कर कार्रवाई भी कैल जाए। बता दही कि स्टेट हाईवे 14 पे नदी के पानी 5 दिन से चढ़ गिर बा। सड़क मार्ग से जब लोग आइल जाइल मुश्किल खतरनाक होखे लागल तब तो प्रशासन के द्वारा नाई के निबंधन क के परिचालन शुरू कर दिहल गेल। चल रहल नाई जाए के कारण अखौरीपुर आ बनारपुर के बीच प्रशासन लाल झंडी के साथ सरकारी नाव तैनात कर दिले बिया। लेकिन मौका पे पुलिस के तैनाती ना होखे के कारण एगो बहुत बड़ हादसा होत होत बच गए बटुए। मिल रहल जानकारी खाती जो लड़का बने तो नाविक के जबरदस्ती कहस कि नाई के धार के बीच में ले चल हमनी के सेल्फी खींचब जाए। यह सेल्फी खींचे में ही हादसा हो गए बटुए। हालांकि संजोग ये ठीक बटुए कि ओजा कुछ लोग रहन जीव बचा लिहलन, नहीं तो एगो अलगे ड्रामा भइल रही। तो एगो अलगे दृश्य ऐजा देखे के मिली आ एगो अलगे सीन देखे के मिली। अभी बयान सुनाई नाविक के, उ नाविक का कहत रौरा खुद सुनियो हो नाविके के मुँहे। लेकिन रौरा दर्शक लोग से निहोरा बाकी अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कैले तभी बेल आइकन के बटन दबा के सब्सक्राइब कर ली। लाइक के बटन दबाई, कमेंट करके बताई कैसन लागल आ शेयर जरूर करी ताकि देश न विदेश तक पहुँचे। सुनी 10 गो नौजवान आया उस डेंगी पर छोटे छोटे बच्चे लेकर 2-4 गो औरत बैठी थी। उसमें एक आहन वाले व्यक्ति थे, यानी 10-15 गो उस पर आदमी 10 आदमी थे। हम यहीं देखे, हम समझा रहे थे यहीं पर देखे तो बाहर का जो लोग यात्री है पब्लिक को आया वो सीधा यहाँ से चढ़ापा उठाकर उस नाव पर ये दूसरी नाव पर चढ़कर और उस लड़के को जाकर मारने शुरू किया। उसमें नाव वहाँ पर सर बच्चा भी गिर गया, हमने बचाया, तमाम इधर के जो नाव वाले हैं का दोगो वो भी बचाए।
एक आहन थी वो गाड़ी में डूब गए, नाव भी सर मारा गया, ये यही बात है और दूसरे किसी टेंशन में। कहाँ के औरत रही है सर? यही जो नाव चल रही थी इस पर, उस पार से बनारपुर से इस पार आ रही थी। हम ये नहीं जानते कि कहाँ की नाव लड़की थी। सब लोग सुरक्षित है? सब सुरक्षित है सर। आहन भी निकल मोटरसाइकिल।